नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक क्या रहने वाला है आलू का भविष्य, यानी कि 2022 कैसा रहने वाला है आलू के लिए। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या रहने वाला है आलू का भविष्य। क्या आलू में आएगी भयानक उछाल या आलू में आएगी भयानक गिरावट, जितने भी डाउट है आप लोगों का सारा डाउट इसी वीडियो में क्लियर होगा। तो चलिए किसान भाइयों, पहले हम कुछ टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आलू भाव की बढ़ने की संभावना है या नहीं। तो पहले मैं बता दूँ कि कुछ दिनों से, दो तीन दिनों से फर्रुखाबाद की मंडी में अगर हम बात करें तो डेली कुछ ना कुछ उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं डेली मंडी भाव बताता हूं तो वहां पे हमें मंडी भाव बताते वक्त डेली कुछ ना कुछ रुपए का उछाल देखने को मिलता है। तो फर्रुखाबाद में कल 50 रुपए की उछाल थी, आज भी कुछ रुपए का उछाल देखने को मिला है। तो इस तरीके से तो लगता है आलू का भविष्य अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक पर बात कर लेते किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों नए आलू आने से पुराने आलू की डिमांड जो है बिल्कुल न के बराबर हो जाता है किसान भाइयों, क्योंकि नए आलू जब मार्केट में आ रही है तो अधिकतर लोग नए आलू लेना ही पसंद करते हैं। तो अगर कुछ जो किसान भाई पुराना आलू का भविष्य को लेकर सोच रहे हैं कि पुराना आलू का क्या होने वाला है, तो उन किसान भाइयों से कह दूँ कि जो नए आलू की डिमांड बढ़ने पर पुराना आलू की डिमांड बढ़ती घट जाती है, और डिमांड घटने के बाद आप लोग को पता ही कि रेट का क्या स्थिति होता है। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा रेट एकदम से गिर ही जाएगा या रेट बढ़ेगा, लेकिन पुराने आलू के पे कुछ कहना अभी मतलब 100% सियोरिटी देना, ये कोई मतलब 100% इसके भविष्य पे चर्चा नहीं किया जा सकता। हाँ, नए आलू के भविष्य पे 100% किया जा सकता है कि आलू की भाव बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं बता दूं जिस किसान भाइयों ने पुराना आलू अभी भी कोल्ड स्टोर में रखे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या होगा आलू को और आलू को लेकर काफ़ी चिंता में है, तो मैं उन किसान भाइयों को बता दें कि कुछ फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप इन सभी से आप दूर रहे, क्योंकि वो जो है आपको आलू बेचने नहीं देंगे, हमेशा आपको लालची बनाएंगे, लालच के चक्कर में आपका आलू कम रेट में भी बिक सकती है। तो ऐसी फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रहे आप लोग, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है जब किसान भाइयों को 1000 रुपये कट्टे जब पुराने आलू की बात हम कर रहे हैं बिक रहा था, उस समय कई किसान भाइयों ने एकदम आलू नहीं बेचे। वो किन कारणों से नहीं बेचे, यही फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के वजह से उनको लालच दे दिया कि इतने रुपए बढ़ने वाला है, उतने रुपए बढ़ने वाला है, उन्ना के आलू बर्बाद है, उन्ना का आलू नहीं आएगा। लेकिन अभी उन्ना होशियारपुर का आलू आ रहा है एकदम, सभी मंडियों में उन्ना होशियारपुर का नया आलू एकदम रिकॉर्ड तोड़ आलू से आ रहा है। लेकिन किसान भाइयों उस समय अगर जो किसान भाइयों पुराना आलू के बात कर लेते हैं, उस समय उन किसान भाइयों 1000 रुपये कट्टा बेच ली, पैकेट बेच लिए रहते तो आज उनको यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन ये फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप और भी कई सारा लोगों का जो मतलब अलग अलग टाइप की लालच देना कि यहाँ का आलू इस बार नहीं आएगा, वहाँ से आलू बर्बाद हो चुका है, वो आलू नहीं आएगा, इस वजह से कई सारे किसान भाइयों और भी रेट बढ़ने के इंतज़ार किए, जिस वजह से कि आलू को बेच नहीं पाए। तो पुराना आलू के लिए किसान भाइयों अपना धीरे धीरे करके अपना जो भी अपना रेट अच्छा लगे उस रेट में बेच ले, और नए आलू की भविष्य के बारे में बात करें तो नए आलू की भविष्य इस बार काफ़ी अच्छी रहने वाली है, नए आलू में आएगी भयानक तेज़ी। और आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना भी ओपिनियन देना ना भूले। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम, जय जय किसान।